पातोड़ी रसा यह एक महाराष्ट्रीयन रेसिपी है। इसमें जो पातोड़ी का रसा होता है वह चटपटी करी और साथ ही बेसन की पातोड़ी जिसे डायमंड शेप में काट के तैयार किया जाता है। बेसन और मसालों के साथ में तैयार होने वाली महाराष्ट्र के हर घर में यह प्रसिद्ध है। आज हम पातोड़ी की सब्जी बनाएंगे एकदम सिंपल और आसान तरीके से। हेलो दोस्तों, मैं कल्पना, आप सबका स्वागत है स्वाद घर का। मैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने पर इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बेसन तैयार कर रहे हैं। ज़ीरे को तड़कने देंगे। ज़ीरा तड़कने पर इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे और प्याज को हम थोड़ी देर तक ये अच्छे से भूंज लेंगे जिससे कि ये इसका कच्चापन चले जाए और हल्का सा गुलाबी रंग पे आ जाए। प्याज हमारे जो है वो भूंज गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन और धनिया का पेस्ट एक चम्मच ऐड कर लेंगे और इसे भी हम चलाते हुए अच्छे से भूंज लेंगे। चलाते हुए हमने इसे भूंज लिया है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। धनिया पाउडर ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला पाउडर या तो फिर गोड़ा मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। 8 से 10 कड़ी के पत्ते ऐड कर लेंगे। लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अब हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला जले ना इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को भून लेंगे। यहाँ पे मसाला जो है अच्छे से भूंज गया है। अब इसमें हम अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथ से मसलते हुए इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर मसाले को भूनने देते हैं। यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भूंज गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है तो पूरा 1 कप पानी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। अब पानी में हम उबाल आने देते हैं। यहाँ देखिए पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ बेसन की क्वांटिटी नहीं बताएंगे हम। यहाँ पर बेसन को हम इसी तरीके से ऐड करेंगे। चम्मच से डालने से ये हल्का सा देखिए गाँठे पड़ जाएगी। आप इसे थोड़ा सा मैसी तरीके से यानी कि हाथ से डालिए अच्छे से बेसन को मसलते हुए और मिक्स करते जाइए वरना गाँठे पड़ जाएगी बेसन में। इसीलिए हम इसे हाथों से मसलते जाएंगे बेसन को और इसमें डालते जाएंगे और अच्छे से चम्मच से चलाते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे जिससे इसमें गाँठें नहीं पड़ेगी। देखिए ये धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है। इसमें और थोड़ा सा हम बेसन ऐड कर लेते हैं और इसे हम गाढ़ा एकदम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए एकदम सूखा हो गया है। ये अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। एकदम इसी तरीके से सूखा हमको बेसन चाहिए। तो यहाँ देखिए ये जो बेसन है अच्छे से सूखा हो गया है और कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। तो इसी तरीके से हमें इसे पका लेना है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो बेसन कढ़ाई में लगी हुई है वो अच्छे से निकल जानी चाहिए। इस तरीके से हम इसे पका लेंगे। ये देखिए पूरी कढ़ाई छोड़ दी है बेसन ने हमारी। तो ये जो बेसन है वो बनके तैयार हो गई है। अब इसे हम गैस ऑफ करके उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया है उसमें हमने तेल लगा लिया है। तो इसके ऊपर हम बेसन डाल लेते हैं और इसे हमें फैला लेना है। तो फैलाने के लिए यहाँ एक प्लेट लेंगे जिसे हमें पानी में डुबो लेना है और पीछे के हिस्से से इसे हमें फैला लेना है। कुछ इस तरीके से इसे हम फैला लेंगे।
अब थोड़ा हाथों की सहायता से भी इसे फैला लेते हैं। इस तरीके से ये फैल जाना चाहिए, तो ज़्यादा ना मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हमने यहाँ पे इसे पतला रखा है। तो नॉर्मल साइज़ का हम यहाँ पे बेसन की पातोड़ी तैयार करेंगे। ये जो है वो पातोड़ी तैयार है, लेकिन इसे हमें पीसेस काटना है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए हम इसमें तेल ऐड कर लेंगे, लगभग 2 चम्मच हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल को हम गर्म होने देंगे, तेल में हम 2 तेज़पत्ता ऐड कर लेते हैं और तेज़पत्ते को हम भूनने देते हैं। उसके बाद बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे, 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के इसमें ऐड करेंगे। अब इसे हम चला लेते हैं। अब इसे हम 2 मिनट तक के भून लेंगे, जब तक कि प्याज हल्का गुलाबी ना हो जाए। यहाँ देखिए प्याज जो है हमारा हल्का गुलाबी हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन और धनिया का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। इसे भी हम 1 मिनट तक के भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी अच्छे से भूंज गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं, गरम मसाला पाउडर या तो फिर गौड़ा मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे, लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच और अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं, 8 से 10 कड़ी के पत्ते ऐड कर लेते हैं और इन सभी को फिर से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने हरे मटर रखे हैं, तो ये हरे मटर भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ करिए या तो फिर नहीं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि हमारा जो मसाला है वो चलेगा नहीं, और इसे हम चला लेंगे। थोड़ा सा और पानी डाल के इसे चला लेते हैं। अब इसे हम ढक देंगे, ढक कर इसे हम 1 मिनट तक के पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे ढक कर 1 मिनट तक के पका लिया है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई टमाटर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टमाटर को बारीक काट के ऐड किया है, तो अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम फिर से ढक लेंगे और टमाटर के गलने तक के इसे पकाएंगे। टमाटर जो है वो अच्छे से गल गए हैं और मटर जो है वो लगभग पकने में आ गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मसाला भी है वो अच्छे से पक गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा मैगी मसाला, मैजिक मैगी मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। तो सिर्फ थोड़ा सा ही ऐड करना है, ज़्यादा ही ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैगी मैजिक मसाला ऐड किया है। इसे हम चलाते हुए कुछ सेकेंड के लिए हम इसे भूंज लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं। यहाँ हम 1 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम जो पातोड़ी रसा तैयार कर रहे हैं उसे हम ज़्यादा पतला रसा वाला नहीं तैयार कर रहे हैं, नॉर्मली रसे वाला हम यहाँ पे पातोड़ी रसा तैयार करेंगे। अब इसे ढक कर इसमें उबाल आने देते हैं, तब तक के हम पातोड़ी को काट लेते हैं। पातोड़ी को हम डायमंड साइज में काट लेंगे। इसके लिए हम एक पहले तिरछी वाली लाइन काट लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमें पातोड़ी रस्सा के लिए पातोड़ी को काट लेना है। तो डायमंड शेप बहुत ही अच्छा दिखता है पातोड़ी, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायमंड शेप की ही पातोड़ी काटेंगे। अब दूसरे साइड से भी हम तिरछा ही काटेंगे जिससे कि इसका डायमंड शेप तैयार हो। तो ये देखिए डायमंड शेप का हम यहाँ पे पातोड़ी काट रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा के है वो निकाल देते हैं और इस तरीके से ये देखिए हमारा डायमंड शेप का पातोड़ी तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से तिरछे काटते हुए डायमंड शेप के सारे पातोड़ी हम काट लेंगे और आसानी से देखिए ये प्लेट से निकल भी जा रहे हैं, ये चिपक भी नहीं रहे क्योंकि हमने इसमें हल्का सा तेल लगाया था नीचे। यहाँ पे हमने इसे काट लिया है। अब एक एक करके हम पातोड़ी को निकाल लेते हैं। प्लेट से हमें इसे आहिस्ता आहिस्ता से निकाल लेना है एक एक को, जिससे कि शेप हमारा बना रहे है और टूटे भी नहीं। और बाकी के जो आप छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं उसे आप एक साथ इकट्ठा कर लीजिए और हाथों से इसे डायमंड शेप देकर इसका पातोड़ी तैयार कर लीजिए। यहाँ पे हमने काट लिया है इसे। यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है उसमें बाउल आ गया है, यानी कि पानी उबल गया है। अब इसमें हम एक एक करते हुए पातोड़ी ऐड कर लेंगे।
पातोड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े निकले हैं अगर इसे हम इसमें डाल देंगे तो वो गल जाएंगे और गल के पूरी जो हमारी तरी है यानी कि रस्सा जो है वो पूरी गाढ़ी हो जाएंगे। इसके लिए हम इसे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ शेप वाले जो पातोड़ी है उसे ही इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम सारे पातोड़ी को इसमें ऐड कर लेते हैं। इसे हमें चलाना नहीं है, नॉर्मली चम्मच से थोड़ा सा हिलाते हुए उसे रस्से में डुबो लेना है और इसे हम 2 से 3 मिनट तक के रस्से में पकने देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे 2 से 3 मिनट तक के रस्से में पका लिया है। ये देखिए हमारी जो पातोड़ी रस्सा है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम आधा चम्मच लगभग इसमें मेथी जो है सूखी हुई मेथी यानी कस्तूरी मेथी उसे हम मसल के ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी पारंपरिक महाराष्ट्र की रेसिपी पातोड़ी रस्सा बनकर तैयार हो गई है। इसे आप गर्मा गर्म भाकरी रोटी या फिर चावल के साथ में सर्व कर लीजिए। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप सभी को ये ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू।